नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक TT2 जो कि ट्रेड थ्योरी का पेपर होता है उसकी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि 100 अंक का होता है और 3 घंटे टाइम मिलता है आपको। तो उसके लिए आपका जो सितंबर 2017 में जो पेपर हुआ था उसकी वीडियो बनाने जा रहे हैं। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो कि सेमेस्टर सेकंड का पेपर है, और चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, निम्न में से कौन सा एक RISC आर्किटेक्चर की विशेषता नहीं है? बड़े अनुदेश सेट, प्रचक्र एक अनुदेश, साधारण एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर से रजिस्टर ऑपरेशन। तो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़े अनुदेश सेट। क्वेश्चन नंबर टू है, एक माइक्रो कंट्रोलर में बिट मैनिपुलेशन अनुदेश होते हैं, अनेक, शून्य, एक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दूसरे का ए, यानी कि अनेक। क्वेश्चन नंबर तीन दिया, जब सीपीयू को पूर्ण रूप से भारित नहीं किया जाता है तो डाटा ट्रांसफर के लिए निम्न विधि में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? डीएमए, बाधा, पोलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर है, PIC 16FXX में होता है, वैयक्तिक दिशा नियंत्रण के साथ 16 इनपुट आउटपुट, वैयक्तिक दिशा नियंत्रण के साथ 32 इनपुट आउटपुट, वैयक्तिक दिशा नियंत्रण के साथ 64 इनपुट आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैयक्तिक दिशा नियंत्रण के साथ 16 इनपुट आउटपुट। तो क्वेश्चन नंबर फाइव है कि माइक्रो कंट्रोलर 805 में कार्य कर सकता है, दो, तीन, चार, इनमें से कोई नहीं, कितने बिट पे कार्य कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर पांच में का आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 बिट। क्वेश्चन नंबर सिक्स से आपका, माइक्रो कंट्रोलर सीरीज संचार समर्थन करता है, फुल डुप्लेक्स, अडुप्लेक्स, मोबाइल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर होगा पूर्ण डुप्लेक्स। एलईडी में विद्युत चुम्बकीय रेडिएशन के उत्सर्जन के समान एक कुशल होता है, हाई, लो, मध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आपका आंसर होगा ए, हाई। क्वेश्चन नंबर एट है, एलईडी डॉट डॉट की अवस्था प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, कोई बायस नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस में प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, एलईडी प्रत्येक खंड डिस्प्ले के लिए आवश्यक है, एक, दो, तीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका आंसर होगा एक। 5 अंक डिस्प्ले करने के लिए एक एट खंड, यानी कि एट खंड डिस्प्ले के लिए निम्न खंड को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ए सी डी एफ जी, आपके ये ऑप्शन दिए हैं, तो आपको ए सी डी एफ जी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, अक्षर अंक की डिस्प्ले का उपयोग डिस्प्ले के लिए किया जाता है, वर्णमाला, कोड, वर्णमाला और अंक अक्षर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा वर्णमाला और अंक अक्षर। क्वेश्चन नंबर 12 है, RGB वीडियो ड्राइव नियंत्रक की तस्वीर में के लिए सेट की जाते हैं, डार्क ग्रे, सफेद, काला और हरा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा व्हाइट, यानी कि सफेद। क्वेश्चन नंबर 13 है, वितरण प्रणाली के लिए समाक्षीय केबल का इंपीडेंस होता है, 50 ओम्स, 75 ओम्स, 150 ओम, 300 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा 13 का बी, 75 ओम। क्वेश्चन नंबर 14 है, कलर लेवल नियंत्रण में होता है, डिमोडुलेटर, AFPC, GY एम्पलीफायर, BPA। तो क्वेश्चन नंबर 14 का होगा आपका डी, BPA। क्वेश्चन नंबर 15 है, तस्वीर में ड्रिफ्टिंग कलर बार में समस्या को संकेत करता है, बाई वीडियो एम्पलीफायर, क्रोमा BPA, कलर किलर, कलर दोलक के लिए AFPC। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, रंगीन पिक्चर ट्यूब में डिगॉर्जिंग के लिए साथ किया जाता है, प्रत्यक्ष धारा, अल्टरनेटिंग करंट, 60 अल्टरनेटिंग करंट, 90 अल्टरनेटिंग करंट। तो 16 का आपका आंसर होगा सी, 60 हर्टेड अल्टरनेटिंग करंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, रंगीन सिंक फेज का वर्ड होता है, लाल, सियान, नीला, पीला, हरा। तो 17 का आपका आंसर होगा डी, यानी कि पीला। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोटर को कोई भार ना प्रारंभ होने पर किया जाता है, डीसी मोटर,
डीसी सीरीज, डीसी कंपाउंड, डीसी संट, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आपका होगा डीसी सीरीज। जैसे ही भार बढ़ता मोटर की गति बढ़ती है, किस मोटर की गति बढ़ती है, संट, संचयी कंपाउंड, सीरीज या भिन्न कंपाउंड। तो 19 का आपका ऑप्शन होगा भिन्न कंपाउंड। 20 क्वेश्चन नंबर दिया है कि किसी डीसी मोटर की स्थिर गति लाइन शाफ्टिंग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। संचयी मोटर यौगिक, भिन्न रूप से यौगिक मोटर, संट मोटर, सीरीज मोटर। तो 20 का आपका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका संट मोटर। स्टार्टिंग के मूवमेंट पर एक मोटर के बैक ईएमएफ होता है। 21 का आपका आंसर होगा ए, शून्य। क्वेश्चन नंबर 22 दिया, सेल सेंटर रेडियो ऑपरेशन का हृदय है, पैगिंग, स्पीकर, लिस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैगिंग। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है आपका, बिंदु से बिंदु तार रहित सर्विस प्रोटोकॉल पर आधारित होते हैं। तो 23 का आपका आंसर होगा बी, बैंडविड्थ ऑन डिमांड। मोबाइल में का उपयोग यूजर और रजिस्टर को अपने स्थान ढूंढने के लिए किया जाता है, हैंडशेक, एम्पलीफायर, गेन, इनमें से कोई नहीं। तो मोबाइल में हैंडशेक का प्रयोग यूजर और रजिस्टर को अपने स्थान ढूंढने के लिए किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन का माइक्रोवेव उपयोग करता है कितनी फ्रिक्वेंसी। 25, 25 आपका क्वेश्चन है कि कितनी फ्रिक्वेंसी करता है, 2.4 GHz है, 2.4 MHz है, 2.4 kHz है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4 GHz है। वाशर मशीन होते हैं, क्वाइट टब, सिंगल टब, डुअल टब, इनमें से कोई नहीं। तो आपके एक वाशर मशीन होते हैं क्वाड टब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिकांश फ्यूजी लॉजिक मशीनों में नियंत्रण विशेषता होती है, कोई नहीं, एक स्पर्श, स्थिर, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आपका आंसर होगा बी, एक स्पर्श। तीन बिंदु स्टार्टर में कोई वोल्टेज मुक्त नहीं है, एनवीआर कॉल को जोड़ा जाता है, क्षेत्र परिपथ, मुख्य आपूर्ति के आर पार, आर्मेचर सर्किट के पास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये जोड़ा जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र परिपथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 है, गीजर, वाटर हीटर, टंकी जिनमें 10 से 50 लीटर क्षमता के बेलनाकार टैंक है को रखा जाता है, इनलेट और आउटलेट को छोड़कर सभी तरफ से पूर्ण रूप में बंद, पूर्ण रूप से बंद, लैंड को छोड़कर सभी तरह से पूर्ण रूप से बंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनलेट और आउटलेट को छोड़कर सभी को तरफ से पूर्ण रूप से बंद। क्वेश्चन नंबर 30 है, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक में न्यूमेटिक घटकों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, यांत्रिक रूप से, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, चुंबकीय सर्किट से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से। क्वेश्चन नंबर 31 है, कमांड निष्पादन पर एक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक नियंत्रण प्रणाली के घटक होते हैं, शक्ति कारक, सिलेंडर, न्यूमेटिक मोटर, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इनमें सभी शक्ति कारक, सिलेंडर, न्यूमेटिक मोटर भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रणाली का लाभ है, अधिक विश्वसनीयता, स्थान स्थापना जटिलता कम होना, आसानी से संशोधन और स्वीकार किया जाना, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, 0 से 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई का उपयोग 230 वोल्ट एसी में बदलने तथा कम करने के लिए किया जाता है, 24 वोल्ट डीसी, 110 वोल्ट डीसी, 230 वोल्ट डीसी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर होगा 24 वोल्ट डीसी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, चयनित स्थान रखता है और स्विच स्थान अपरिवर्तित है जब तक एक न्यू स्विच चयन नहीं कर लिया जाता है, तब तक, डिटेन स्विच, पुश बटन स्विच, सीमित स्विच, और इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका आंसर होगा डिटेन स्विच, जो कि एक चयनित स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रिले का लाभ है कि इसे एक या एक से अधिक स्विच के लिए उपयोग किया जाता है, यह एक निम्न धारा परिपथ के साथ एक उच्च धारा परिपथ स्विच करता है, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आपका ऑप्शन होगा दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 36, WPM का मतलब होता है, PWM का मतलब होता है। तो PW का मतलब होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 37, न्यूमेट्रिक में रिले को विद्युत चुंबकीय रूप से परिभाषित किया गया है, सीमित स्विच, गतिशील स्विच, सामान्य रूप से बंद, उपरोक्त सभी। तो
आपका 37 का आंसर होगा गतिशील स्विच यानी कि मूविंग स्विच। 38 है क्वेश्चन नंबर, इंडक्शन मोटर के फ्रेम प्राय के बने होते हैं, तो 38 का आपका आंसर होगा बी, ढलवा लोहा के। क्वेश्चन नंबर 39, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अल्टरनेटिंग, पल्सेटिंग, रोटेटिंग, स्थिर, तो आपका आंसर होगा रोटेटिंग, 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक थ्री फेज से जुड़े एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई 720 प्रति चक्र पर चलता है, 4% स्लिप होते हैं, मोटर में ध्रुवों की संख्या होगी, तो आपको ये सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 40 का 8, आंसर नंबर 8 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 है, इंडक्शन मोटर के रोटेशन की दिशा पर निर्भर करता है, फ्रेम क्रम, आपूर्ति में आपूर्ति वोल्टेज, इनमें से कोई नहीं, तो 41 का आपका आंसर होगा फेज सीरीज यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि WPN इन्वर्टर के सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन में हार्मोनिक्स का आकलन किया जा सकता है यदि पल्स चौड़ाई के बराबर होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा 42 का सी यानी कि 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर में नियुक्त अनियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं, डायोड, थायरिस्टर और टू पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, तो 43 का आपका आंसर होगा डी यानी कि मॉसफेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक सिंगल फेज ब्राइट प्रकार पूर्ण कन्वर्टर का उपयोग डॉट 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 एक डीसी मोटर ड्राइव के उत्थान ब्रेकिंग के लिए किया जाता है, स्विच में परिवर्तन के साथ, बिना किसी अतिरिक्त डिवाइस, खुले सर्किटिंग क्षेत्र के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो आपका 46 का आपका आंसर होगा ए, स्विचिंग, स्विच में परिवर्तन के साथ। 47 क्वेश्चन नंबर दिया है, एक एसी सर्वो मोटर टू फेज इंडक्शन मोटर में के साथ रोटर करता है, जड़ता को कम करने के लिए बहुत छोटा ब्यास, उच्च प्रतिरोध बाइंडिंग, जड़ता को कम करने के लिए बहुत छोटा अच्छी लंबाई, दोनों का और खा, तो आपका 47 का आंसर होगा दोनों का और खा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक एसी सर्वोमीटर के स्थायित्व के लिए कौन सा कथन सही है, टार्क गति वक्र पर एक नकारात्मक ढाल, रेखीकृत टॉर्क गति वक्र, रोटर रिएक्टेंस से रोटर प्रतिरोध का अनुपात उच्च होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉर्क गति पर एक नकारात्मक ढाल। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, ड्रैग टैप सर्वो मोटर में ब्यास रोटर होता है, छोटा, बड़ा, मध्यम, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा। एसी सर्वो मोटर निम्न पावर एप्लीकेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि कम्यूटेटर के लिए कोई ब्रश नहीं, रोटर साधारण और रग होते हैं, आर्मेचर चालक के चारों ओर कोई आइसोलेशन नहीं होता है, उपरोक्त सभी, तो आपका 48 का आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बताइए कमेंट करके, ताकि आपको जो मई 2017 में पेपर हुआ था TT2 का, जो कि ट्रेड थ्योरी का, उसका भी हम आपको वीडियो बनाते हैं, अगर आपको वो वीडियो ये पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम TT2 का भी जो मई में पेपर हुआ था उसका भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।